हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजिफ मीडिया में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो दोस्तों, अक्षय कुमार सर की आने वाली फिल्म सरफिरा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर आते से ही यूट्यूब पे हैज़ वन ट्रेंडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लाइक्स मिले हैं। मतलब मैं जब देख रहा था तब 1.5 लाख लाइक तो हो ही गए थे इस जो मूवी के ट्रेलर पे, और बहुत सारे तो व्यूज़ थे दोस्तों। वो बढ़ जाते हैं इसलिए हम एग्जैक्टली बताते नहीं कितने व्यूज़ थे, कितने लाइक्स थे। मतलब लगभग वो आप देखोगे जब तक ये रिव्यू, तब तक तो बहुत बढ़ चुके होंगे। वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। अगर आप जाके देखोगे ट्रेलर पर तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। कमेंट भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। अब बात करें हम कुछ रिव्यूवर्स की, तो जो रिव्यू करने वाले हैं तो कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। और जिनको नेगेटिव बोलना तो नेगेटिव बोलेंगे ही सही, वो पॉजिटिव बोलना वो पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक 20 तरीके से बताना चाहता हूँ कि ट्रेलर अच्छा है। मैंने भी मूवी देखी है तो जो सीन है मुझे भी वो सीन याद आ गए जो मैंने ओरिजिनल मूवी देखी थी उड़ान। जो इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी का नाम है सोरा पोटरू, वो हिंदी में उड़ान था, तो मैंने उड़ान देखी थी हिंदी में। तो दोस्तों, मुझे भी सीन्स काफ़ी ज़्यादा याद आ गए। लेकिन दोस्तों, फिर भी मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है क्योंकि इस मूवी में अक्षय कुमार सर है और काफ़ी कुछ रिफ्रेशिंग लगेगा हमको फिर से। जैसे हम कोई एक ही मूवी को 2-3 बार देखते हैं, उस तरीके से हम सोचकर इस मूवी को देखने जा सकते हैं। और वो मूवी OTT पे आई थी, छोटी स्क्रीन पे आई थी, और ये मूवी आएगी बड़े पर्दे पर। तो बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार सर कितना बड़ा धमाका करते हैं ऐसी कंटेंट मूवी को लेकर। आप एयरलिफ्ट जैसी मूवी में, बेबी जैसी मूवी, पैडमैन जैसी मूवी में देख चुके हो अच्छी तरीके से। और अक्षय कुमार सर का इस बार जो लुक है एकदम नेचुरल लुक है, कोई भी नकली मूछे वगैरह नहीं लगाई है कि आप शिकायत करो। जैसे गब्बर मूवी में, एयरलिफ्ट मूवी में जो इनका लुक था बियर्ड वाला, उसमें ये बहुत ही मतलब इनके जो फेस एक्सप्रेशन है वो एकदम नेचुरल निकल के आते हैं, और बहुत कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है ऐसे लुक रखने से अक्षय कुमार सर को। तो अक्षय कुमार सर की मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी। परेश रावल भी जैसे पहले थे वैसे अभी है इस मूवी में भी। सुधा कोंगरा का डायरेक्शन है, जिन्होंने ओरिजिनल और ये रीमेक मूवी दोनों को ही डायरेक्ट किया है। राधिका मदान का जो काम है वो अभी हमको थोड़ा सा ही पता है, इसलिए हमें बता नहीं सकते कैसा है कैसा नहीं, वो स्क्रीन पे जाकर ही हमको पता चलेगा। हम अभी से नेगेटिविटी नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा काम किया होगा उन्होंने भी, वो आप जब मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट लेके अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप इस मूवी को देखने जरूर जाइएगा। 12 जुलाई को सिनेमाघरों में ये मूवी आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार सर के लिए ये मूवी का हिट होना बहुत ज़रूरी है। और मूवी तो काफ़ी अच्छी अच्छी लाया था बीच में, लेकिन इतनी बड़ी नेगेटिविटी कर रखी इनके खिलाफ कि मूवी चल नहीं रही है। ऐसे दूसरे एक्टर्स की भी मूवी नहीं चल रही, सिर्फ इन्हीं की नहीं फ्लॉप हो रही है, दूसरों की भी फ्लॉप हुई थी। लेकिन हो सकता है ये मूवी से कमबैक कर सकते हैं। तो मुझे तो ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई इसमें। हाँ, वो हमने पहले मूवी देख रखी तो सीन याद आ जाते, लेकिन अगर हम उसको याद ना करें तो ये मूवी बहुत डिफरेंट और अच्छी लग रही है। और सूर्या का कैमियो भी है इसमें, तो आप जो सूर्या के फैन है वो तो देखने जाएंगे इसे उनका कैमियो देखने के लिए। और उन्हीं की फिल्म का रीमेक है, प्रोड्यूसर भी सूर्या है, अक्षय कुमार सर है, ज्योति का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मूवी को हिट, सुपर हिट बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप अक्षय कुमार सर के फैन हो, सूर्या के फैन हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मूवी का रिव्यू भी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।